हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, मतलब उगता सूरज जैसी मतलब इंडस्ट्री है। देयर हैज़ बीन कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक्स, मतलब उसकी कंटिन्यू डिमांड क्या है, इंक्रीज मतलब बढ़ती ही जा रही है प्लास्टिक के रॉ मटेरियल के लिए। बिकॉज इट इज़ अ वाटर प्रूफ, मतलब ये कैसा, एक वाटर प्रूफ है एंड कैन फिट इन टू एनी मोल्ड, और तुम जो भी मोल्ड में उनको चाहो तुम उसको मतलब कि फिट कर सकते हो। इट इज़ अ यूज इन द पैकिंग केमिकल, मतलब वो कहाँ पर यूज़ होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री का यूज पैकिंग केमिकल्स में, टेक्सटाइल्स में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्सेट्रा में, मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री का यूज होता है। इंपॉर्टेंट सेंटर प्रोडक्शन प्लास्टिक्स आर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बटूर एंड द चेन्नई। उसके बाद स्टूडेंट सीमेंट, सीमेंट से भी तुम सब लोग अवेयर हो। सीमेंट इज इन्वेटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, मतलब रोड, डैम्स एक्सेट्रा। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन, इंडिया का रैंक चाइना के बाद कौन सा है, सीमेंट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर। इट प्रोड्यूस अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, टोटल वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 6% प्रोडक्शन सीमेंट का कहाँ पे होता है, इंडिया में। लाइमस्टोन मतलब चूना, कॉल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले एक्सेट्रा आर द रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट्स। द रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्ट्स हैव मोर वेट्स, सो द सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड वैन द रॉ मटेरियल इज अ इजी अवेलेबल एविडेंस, मतलब जहाँ पे सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है वहाँ पे उसकी फैक्ट्री होती है। दिस इज अ फेयरली गुड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इन गुजरात। नेक्स्ट हो गया ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री। यू मे हैव बीन सीन मैनी टाइप्स ऑफ द व्हीकल और ट्रैवल, तुम मतलब कि बहुत सब टाइप के व्हीकल और ट्रैवल्स तुमने देखे हैं। यर देर वेर अ एनिमल ड्राइव एन व्हीकल विच वेर वेरी स्लो, क्योंकि जब एनिमल जब व्हीकल को ड्राइव करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, बहुत स्लो हो जाता है। टूडे इज अ मॉडर्न एज, अभी कैसा, वो मॉडर्न एज हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट करना रिक्वायरमेंट है। तो व्हीकल विद द फास्टर स्पीड अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स हैव बीन कम इन यूज, अगर रोड का अच्छे से डेवलपमेंट होता है तो व्हीकल से ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, फास्ट होता है। द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सच व्हीकल इज नोन एज अ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। नेक्स्ट हो गया रेलवे। रेलवे सर्विस डिजर्व एप्रिशिएंस ऑफ द ट्रैवलिंग इन इंडिया। रेलवे मैन्युफैक्चर्स द इक्विपमेंट्स ऑफ इन ऑट्स ओवन रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ, सच इज अ रेलवे इंजीनियर्स, पैसेंजर कोचिस, गुड्स कोचिस एक्सेट्रा। देर आर ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइवेटली, मतलब वो एकदम प्राइवेटली प्रोड्यूस होता है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द रेलवे इंजिन, रेलवे इंजिन थ्री टाइप के होते हैं, स्टीम, डीजल एंड इलेक्ट्रिक, मतलब स्टीम पे चलने वाले, डीजल पे चलने वाले और इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले। द स्टीम इंजिन आर नाउ यूज ओनली फॉर अ हेरिटेज ट्रेन्स विच आर रन ओनली ऑफ द टूरिज्म प्रपोज। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजिन आर प्रोडक्ट्स एट द महिजियम इन द चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स इन द वेस्ट बंगाल। डीजल लोकोमोटिव्स वर्क्स एट द वाराणसी एंड द टाटा लोकोमोटिव्स वर्क्स एट द जमशेदपुर। पैसेंजर कोच आर मैन्युफैक्चर एट द प्रेम्ब्योर, बेंगलुरु, कपूरथला एंड द कोलकाता। नेक्स्ट हो गया रोड व्हीकल। बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले वी यूज टू मैन्युफैक्चर कार्स एंड द असेंबली इंपॉर्टेंट पार्ट्स। नाउ द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चर ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड साइकिल्स आर established in our country. The road vehicles are manufactured mostly by the private sector. ठीक है, मतलब जो road vehicles जो मतलब manufacture ज़्यादातर जो होता है वो कौन करता है, private sector ही करता है। इंडिया का रैंक कौन सा है, fifth in the world in the production of the commercial vehicle में। Today the vehicles and their spare parts manufactured in India are export to foreign country. अभी ऐसा position हो गया है कि vehicle और उसके spare parts हैं उसके मैन्युफैक्चर करके वो इंडिया अलग फॉरेन कंट्री में क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। ट्रैक्टर्स एंड साइकिल आर द प्रोडक्शन इज अ वेरी लार्ज स्केल एंड वी एक्सपोर्ट देम ओवरसीज। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, दिस इज इन एशियन इंडस्ट्रियल इन इंडिया, मतलब पुराने टाइम से चलते आई हुई है।
इट रिसेंट टाइम देर आर द सेंटर टू बिल्ड शिप ऑफ द मॉडर्न स्टाइल्स. दीज आर विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मारमंगो, विच आर इन द पब्लिक सेक्टर. कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्डिंग शिप आर द लार्ज साइज प्राइवेट डॉकयार्ड फुलफिल लोकल नीड्स. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रेडियो सेट एंड द टेलीफोन इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन द इंडिया इन द 1905 में. ठीक है, रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री इंडिया में जो एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में. दिस कैन बी सेट टू बी द बिगेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन इंडिया, मतलब उसको इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की शुरुआत भी कह सकते हैं. भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL वॉज एस्टेब्लिश इन द 1956 इन बेंगलुरु. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, BEL कब स्टार्ट हुई थी, 1956 में, और कहाँ पे, बेंगलुरु में. With the motive to manufacture equipments for Akashvani and the weather development. Today produce various electronic equipment in the collaboration with the India Space Research Organization, ISRO. This industry has brought a lot of changes in the normal life of the people. मतलब ये जो industry है वो इंसान की normal life जो है उसको क्या करा है, change कर दिया है. Their lifestyle and the national economically, Bangalore has been capital of the this industry. मतलब बेंगलुरु ये इंडस्ट्री के कैपिटल के नाम से अपने उसको पहचान सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, मतलब इसके लिए उसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी अपने जान सकते हैं. सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क, टेक्नोलॉजिकल पार्क आर एस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ वेरी ऑप्टोमेटिक्स. इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द एनवायरमेंट डायग्राम, जब इतनी सब इंडस्ट्री है तो उससे मतलब बाय डिफॉल्ट तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स की पॉल्यूशन तो होगा ही, और एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन तो होगा ही. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज नॉर्थ वेटली कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशंस. इंडस्ट्री हैव द इंक्रीज द पॉल्यूशन, इंडस्ट्री की वजह से मतलब पॉल्यूशन क्या होता है, बढ़ता जा रहा है. एंड द एक्वायरमेंट एनवायरमेंट हैज रियल, एनवायरमेंट भी क्या होता है, बिगड़ता जा रहा है. मैन द एनवायरमेंटल कंडीशन डेट्रोमेंट इज ड्यू टू द नेचुरल और द मैन इंडिट रीजन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट इज अ रिड्यूस. मतलब नेचुरली और इंसानों की इंटरफेयर की वजह से मतलब एनवायरमेंट क्या होता है, बिगड़ता जा रहा है. माइनरली फोर टाइप ऑफ द पॉल्यूशन आर क्रिएट ड्यू टू द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री से मतलब चार टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस. इंडस्ट्री हैव पॉल्यूट एयर एंड वाटर टू ग्रेट एक्सटेंट इन द प्रेजेंट एज ऑफ कॉम्पिटिशन. The air has become polluted due to the very harmful gas like the carbon dioxide and the sulfur dioxide की वजह से. Water pollution किसकी वजह से होता है, has increased due to the industry influence. Today many factory release their industry waste in the river. मतलब काफ़ी जो प्रोडक्ट फैक्ट्री हैं जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट किसमें मतलब कि वो कर रहे हैं, मतलब कि वाटर में. वाटर टुडे इज अ हैवीली पॉल्यूट देन द बिफोर. अभी मतलब पहले के टाइम से वाटर अभी क्या है, ज़्यादातर मतलब कि पॉल्यूट हो गया है. नोज पॉल्यूशन इज अ वन ऑफ द रीजन फॉर द डेफनेस इन ह्यूमन लाइफ. ड्यू टू द ओल्ड मशीनरी इज इन इंडस्ट्री एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द नोइज पॉल्यूशन इज इन, मतलब जूनी पुरानी मशीनरी की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नोइज पॉल्यूशन मतलब आवाज़ का प्रदूषण क्या होता गया, बढ़ता गया हुआ है. मैन एक्सपीरियंस मेंटल टेंशन ड्यू टू डू मच ऑफ नॉइज. अरे अगर जितना नॉइज बढ़ आवाज़ बढ़ती जाएगी मतलब कि इंसान मतलब कि क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता जा रहा है. तो अब उसको रोकने के लिए रेमेडीज क्या है, रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. द कंट्री शुड मेक प्रोग्रेस बट द प्रोग्रेस शुड बी मेड इन सच वे दैट द एनवायरमेंट इज नॉट डिग्रेड. मतलब कि कंट्री उसका प्रोग्रेस कर रही है, मतलब एनवायरनमेंट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जो कोशिश है वो प्रॉपरली वे में होना चाहिए. द अमाउंट ऑफ द पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस विद द प्रॉपर प्लानिंग. मतलब कि जो पॉल्यूशन होता है वो कम प्रॉपर प्लानिंग करके अपने कम करने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस ऑल्सो बाई सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी इक्विपमेंट एंड द फ्यूल्स. मतलब फ्यूल्स और जिसके अपने यूज़ कर रहे हैं उसका क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे मतलब पॉल्यूशन कम हो सकता है. द एयर पॉल्यूशन कैन बी स्क्रब थ्रू फिल्टर्स, स्क्रबर्स, प्रिक्रिप्शंस एक्सेट्रा. द वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंट बाय द रियलाइजिंग इंडस्ट्री एफिशियंस आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट्स. इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरीफाइड आफ्टर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स. स्टूडेंट्स लेसन नंबर 13 कंप्लीट. थैंक यू.